बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान पर हमला करने के लिए फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। ईरान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत आई है, तब से इसराइल की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में वापस न जाया जाए, क्योंकि ईरान की जानिब से अगर जौहरी हथियार तैयार कर लिए गए तो उसका सबसे पहला निशाना इसराइल होगा। और दोस्तों, इसी सिलसिले में इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ की जो बाइडन से एक अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें जो बाइडन को मुतनबे किया गया है कि वो ईरान के साथ जौहरी डील से बाज रहे, क्योंकि ईरान के साथ अगर जौहरी डील कायम कर ली गई तो ईरान को वक्त मिल जाएगा और वो जौहरी हथियार तैयार कर लेगा। और दोस्तों, इसराइल ने ईरान पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान को भी खबरदार कर दिया है। दोस्तों, सहूनी अखबार इसराइल टाइम्स के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ एवियो कुचावी ने ईरान को हमले की धमकी देते हुए कहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने को तैयार है। एवियो कुचावी ने कहा कि इसराइली फौज को ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। इसराइली आर्मी चीफ ने अमरीका की नई इंतजामिया को भी खबरदार करते हुए कहा कि अमरीका ईरान न्यूक्लियर डील 2005 में शामिल होने से बाज रहे। जौहरी डील में शामिल होने से ईरान जौहरी हथियार बनाने के काबिल हो जाएगा। एवियो कुचावी ने मजीद कहा कि ईरान के पास जौहरी बम बनाने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए। ईरान पर दबाव बरकरार रखने के लिए हर किस्म के इकदाम करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब इसराइल के खित्ते के अंदर जारहाना इकदाम देखने को मिल रहे हैं। लिबनान की कौमी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुदस की गासिब और जाबिर सहूनी हुकूमत के फौजियों ने कई टैंकों, एक फौजी जीप के साथ लिबनान के सरहदी इलाके क्रूमल शक्की में खारदार तारों को काटकर लिबनान में दरअंदाजी करने की कोशिश की। दोस्तों, इसराइली आर्मी चीफ ने लिबनान को भी खबरदार करते हुए कहा कि वो ऐसे इलाकों को खाली कर दें जहां हमारे खिलाफ असलहा जखीरा किया जाता है। अगर ऐसा ना किया गया तो हमारी फौज सख्त हमले के लिए तैयार है। इसराइल के दुश्मन ईरान और हिजबुल्ला अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफा कर चुके हैं। दोस्तों, इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान हमास और हिजबुल्ला को सालाना अरबों डॉलर्स की फौजी मुआवनत कर रहा है, जिसकी वजह से इन तंजीमों को अपनी फौजी सलाहियतें बढ़ाने का मौका मिला। उन्होंने अपनी फोर्सेस तश्कील दी। उन्होंने धमकी दी कि अगर हिजबुल्ला और हमास ने ये फोर्सेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इससे पहले ही इसराइल की जानिब से ऐसा हमला किया जाएगा जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता कुछ महीने पहले ईरान के अंडरग्राउंड एटमी मिसाइलों की मौजूदगी का इंकशाफ सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि ईरान ने जेर जमीन तबाहकुन मिसाइलों के पूरे शहर आबाद कर रखे हैं। अगर इसराइल की जानिब से ईरान के साथ कोई भी दरअंदाजी करने की कोशिश की गई तो ईरान की जानिब से इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। दोस्तों, इसराइल की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत के आखिरी दिनों में हालात को खराब करके हमले का जवाब बनाया जाए। इसी मकसद के लिए इसराइल की एटमी आबदोज को भी बहरे हर्मस के पानियों में भेजा गया था। और गुज़िश्ता महीनों के दौरान शाम के अंदर ईरानी तंसीबात के ऊपर भी इसराइल की जानिब से फिजाई हमले किए गए। ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा को शहीद किया गया। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हालात को इस नहज पर ले जाया जाए कि ईरान की जानिब से जवाब दिया जाए तो ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ईरानियों का मजाज इंतहाई दानिशमंदाना है। ईरानियों की तारीख गवाह है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मामलात की संगीनी को देखते हुए दानिशमंदाना फैसले करते हैं, और यही फैसला मोहसिन फखरीज़ादा की शहादत पर ईरान की जानिब से किया गया। ईरान ने तेल अबीब में मुसाद के चीफ को हिजबुल्ला के जरिए निशाना भी बनाया, लेकिन वहाँ पर अपना कोई निशान नहीं छोड़ा। उसके बाद ईरान की जानिब से हिजबुल्ला के थ्रू इसराइल को टफ टाइम तो दिया गया, उनकी इंतहाई अहम तंसीबात के करीब ड्रोन ले जाकर उसकी तस्वीर खींच कर मीडिया के ऊपर दी गयी कि हमारी रसाई कहाँ तक है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, तकरीबन 70,000 के करीब इंतहाई तबाकुन मिसाइल ईरान की जानिब से हिजबुल्ला को फराहम कर दिए गए हैं, जो कि जेर जमीन मौजूद हैं। और अगर इसराइल की जानिब से कोई भी बेवकूफाना कदम उठाया गया तो हिजबुल्ला और हमास की जानिब से इसराइल को ऐसा तारीख साज सबक सिखाया जाएगा जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ईरान की जानिब से मोहसिन फखरीज़ादा की शहादत का बदला लिया जाना बाकी है।
जिसका इजहार ईरान के रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने गुज़िश्ता दिनों जनरल कासिम सलमानी की शहादत की बरसी के मौके पर भी कहा कि मोहसिन फखरीजादा और जनरल कासिम सलमानी की शहादत का बदला लिया जाएगा। दोस्तों, ईरान की जानिब से इंतजार किया जा रहा है कि अमेरिका की नई इंतजामिया ईरान के साथ साबिका जोहरी मुआहदे में वापस आती है तो ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेगा। यही तश्वीश इसराइल और सऊदी अरब को भी है कि ईरान पर अगर तजारती पाबंदियां हटा दी गईं तो उसके पास इतना कुछ आ जाएगा कि वो जोहरी हथियार बहुत जल्दी मुकम्मल कर लेगा और वो जोहरी हथियार इसराइल के खात्मे में आखिरी कील साबित हो सकता है। इसीलिए इसराइल की कोशिश है कि अमेरिका के साथ 2015 वाले जोहरी मुआहदे में शामिल होने के इम्कान से पहले पहले कोई इस तरह का एडवेंचर किया जाए कि ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बना के उसके प्रोग्राम को मलियामेट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ईरान की जानिब से इन तमाम खतरा से निमड़ने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जहाँ पर ईरान की जोहरी तंसीबात सामने है, इसी तरह से उन्होंने पहाड़ों में अंडरग्राउंड अपनी जोहरी तंसीबात को तैयार कर लिया है जिस पर बजाहिर कोई भी हमला असर नहीं कर सकता। दोस्तों, 5 नवंबर 2019 को जारी करदा एक तस्वीर में वस्ती ईरान में नतन यूरेनियम की अफजूदगी की सहूलत में सेंट्रीफ्यूज मशीनें दिखाई गईं। वो तस्वीरें ईरान की जोहरी तवानाई तंजीम के जरिए शाया की गईं। दोस्तों, अगर 2015 के जोहरी मुआहदे पर अमल दरामद हो जाता है तो ईरान खुद जोहरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि मुआहदा खत्म होने पर उस मुआहदे को रोकने के लिए हुदूद शामिल नहीं थी। आज तक ईरान को जो इजाजत दी गई थी उससे कहीं ज्यादा अफजुदा यूरेनियम की मिकदार उनके पास मौजूद है। और दोस्तों, ईरान ने जो सेंट्रीफ्यूज तैयार किए हैं वो इतनी बरकरफ्तार हैं कि शायद चंद हफ्तों के अंदर ईरान की जानिब से जोहरी बम का तजर्बा कर लिया जाए। दोस्तों, इस माह के शुरू में ईरान ने ऐलान किया था कि वो 20% तक यूरेनियम की अफजुदगी शुरू कर रहा है जिसकी JCPO के तहत इजाजत दी गई थी। दोस्तों, जोहरी हथियारों के माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास इतनी ज्यादा यूरेनियम स्टोर हो चुकी है कि वो किसी वक्त भी जोहरी हथियार बनाने के काबिल हो सकता है। इसी वजह से इसराइल की नींदें हराम हो गई हैं कि अगर ईरान के साथ जो बाइडेन की जानिब से जोहरी मुआहदे पर दोबारा दस्तखत कर दिए गए तो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की वो प्रेडिक्शन कि 2025 में इसराइल का वजूद नहीं होगा, उसकी अमली तफसीर सामने आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अमेरिका के आने वाले नए सदर जो बाइडेन की जानिब से बजायर ईरान के साथ मामलात बेहतर करने के हवाले से इशारे दिए जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से मोहसिन फखरीजादा की शहादत का बदला एटम बम के तजर्बे की सूरत में लिया जाएगा जिसका वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही ईरान की जानिब से इसराइली आर्मी चीफ के बयान के बाद अपने मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब कर दिया है और इसके साथ ही ईरान की प्रॉक्सीज ने भी कमर कस ली है कि अगर इसराइल की जानिब से कोई भी बेवकूफी की गई तो फिर वक्त से पहले ही इसराइल को तारीख साथ सबक सिखा दिया जाएगा। दोस्तों, के साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।